पेंजे अर्धांगिनी के जाल के लेटर लिखा जिनके नेहरू वुमन पुरस्कार रशिया गवर्नमेंट तरफा मिलो। वो न सिर्फ एकड़ा सुठा इंसान हुआ, एकड़ा सुठा पोएट हुआ, सुठा राइटर हुआ, सुठा यूनियन लीडर हुआ, सुठा पॉलिटिकल लीडर हुआ। वो एकड़ो काउंसलर थी करे 66 का 86 तक कम कयो। एक गाल में जरूर जोंदस हनन जी जगह वठन ताडो दुखियो आहे। हन इंसान वकालत में एतरो सुठो नालो कमायो जो इनन जी भरपाई केर न करे सकियो। ऐ शायद दुखी आहे हुआ भरपाई करण अज भी सब इंसान उल्हासनगर जा नारा सलामत रहे जिनके याद करना है। स्कूल्स में वकालत में यानी कोर्ट में काफी मानन के इनन जी कमी महसूस थी आए इन जे परिवार में। अज मैं एक गाल जरूर चवंदुस मैं अड़े शख्स जे हेठा कम करो या कुछ सीखो मैं असल यो चवण का न हिचकिचाइंदुस। मैं जो भी इन वकालत में पढ़ाया है इन पोजिशन से पहुंचो है वो सिर्फ दादा सलामत राय जी करे। असा जो दादा शीतलदास हरचंदाणी शहर जो नामियारो नेता सिंधियत सिंधियत जो शीदा ही है। दादा टे दफा आमदार भी चूंड जी आयो जैन शहर की काफी खिदमत करे केतर सिंधियों के सिंधियत जहा घड़ा भरिया। अज दादा सतन बैंकों जो चेयरमैन है नवजन बैंक जो जो उन जो कार्य हले तो उन शहर काफी फेज रसाया केतरा सिंधी इन बैंक से व्यवहार में अची चंगा वे औचित रसाया। अचो तो बुधूं दादा शीतलदास सलामत राय छो चवे। आज सलामत राय हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके जो कार्य है उनकी जो कुशलता है उनकी जो दोस्ताना है वो आजकल भी सबके सामने आ रहा है। मैं ऐसे व्यक्ति को सलाम करता हूं और जो हमारे भाई है दोस्त है जिसके सलामत राय के साथ में रहे है उनने भी बहुत कुछ उनमें से पढ़ाया। आनंद राम मूलचंदाणी जो है वो उनका असिस्टेंट था आज वो काबिल वकील है लेकिन वो भी सलामत राय पुरसवाणी के बदौलत हुआ है। सलामत राय पुरसवाणी फ्रीडम फाइटर के नाते में और यूनियन के वजह से वो जेल में गया था और जेल में से उसने एक बुक लिखा था मतलब जेल में से उसके पत्नी को लेटर्स लिखा था और वो बुक इतना मशहूर हो गया जो उनको पब्लिशर ने पब्लिश करके लोगों तक पहुंचाया। सलामत राय एक अच्छा एजुकेशनिस्ट था वो सिंधु एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी होकर भी रहा है और उनके आम कार्य में जो स्कूल से सोसाइटीज के उनमें बहुत से इंतजाम और पढ़ाई में जो बढ़ती आ गई है इसके लिए सलामत राय को आज जो है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स याद कर रहे हैं। तैलीमी जगत में पिण असाजे सलामत राय पुरसवाणी चंगा घड़ा भरिया। सिंधु नगर में जे वक्त असि सिंधी बार असाजा आया उन वक्त बार तैलीम जो को जोगो बंदोबस्त को हो। इन साहब राय साहब शीतलदास संत सिंह ओचाणी एन से गरजी सिंधु नगर में सिंधु एजुकेशन सोसाइटी पायो वेदो उन वक्त सत सेकेंडरी स्कूल ब प्राइमरी स्कूल इन बर्पा कया जिनमें हजारे शागिर्द अज तैलीम वी पांजे औज ते पौता असाजे इन सिंधु नगर सोसाइटी में अज भी केतरा मास्तर प्रिंसिपाल दादा के चंगी तरह याद कंदा आहिनि उन शेवाओं जो कदुर कंदा आहिनि। हिकड़ो मास्तर उन वक्त जो दादा जे बिल्कुल निकट हो सिंधी शीदाई डॉक्टर श्याम भटीजा उन पिण दादा जे बारे में पंहिंजा वीचार ज़ाहिर कया आहिनि। सिंधु नगर जो सचो सिंधियत जो शीदाई सिंधी बोली सिंधी तहजीब सिंधी संस्कृति के जिंद रखने के लिए
हुन लासानी कार्य कयो वो हो असो सलामतरा पुरसवाणी जेको पान सिंधी माध्यम स्कूल में पढ़ो सिंधी में तैलीम वठी करे बर्ख कायदेदान बनो ए सिंधी बोली के वधाण जे लाय सिंधु एजुकेशन सोसाइटी जा स्कूल इत सिंधु नगर में बिरपा क्या संत सिंह ओचाणी ए राज साहब शीतलदास से गड़जी करे सिंधु एजुकेशन सोसाइटी वडे में वडी सोसाइटी आहे जेका सिंधी माध्यम में तैलीम डेई रही आहे सलामत राय पुरसवाणी जो वडो योगदान रहो सिंधी तैलीम के जिंद रखण में सिंधी बार जेके एसएससी में पहिरियों ॿियों टियों नंबर ईंदा हुआ तिन खे अर्जन सिकायल जे जीए सिंधी सभा जे तरफा हर साल ॿारनि खे इनाम ॾींदो हुयो सलामत राय पुरसवाणी हिकु मिसाल पेश कयो पाण सिंधीअ में पढ़ियो पंहिंजनि ॿारनि खे सिंधीअ में पढ़ायई हुन जो सिंधी ॿोलीअ खे बचाइण जे लाइ जेको हुन कार्य कयो सिंधु नगर जे इतिहास में हमेशा यादि रहंदो विसारे न सघंदासीं जेसि ताईं सलामत राय पुरसवाणी हयात हो तेसि ताईं सिंधु एजुकेशन सोसाइटीअ तरफां इंग्लिश माध्यम जो स्कूल शुरू की न थियो हू सिंधियत जो सचो सीधाई हो सिंधी ऐं सिंधी ॿोलीअ खे ज़िंदह रखण में हुन वॾो योगदान ॾिनो सलामत राय पुरसवाणी हिकड़ो सिंधी सुठो पाठक बि हुयो सुठा सुठा लेखकनि जा किताब पढ़ंदो हुयो न सिर्फ़ पढ़ंदो हुयो पर पढ़ी करे पंहिंजा राया उन्हनि खे ॿुधाईंदो हो ऐं सिंधी साहित्य में बि हुन जी रुचि हुई सिंधी अदबी बैठक में शिरकत करे नौजवाननि खे हिमथाईंदो हुयो ऐं जेके बि सिंध मां बि जेकॾहिं शेख अयाज रसूल बख़्श पले जो साहित्यकार जेके हिते हिंदुस्तान में ईंदा हुया उन्हनि खे बॉम्बे मां हिते सिंधु नगर में आणण वारो सलामत राय पुरसवाणी हुयो उन जे करे जेके हिते बि सिंधु नगर जा अदीब हुया उन्हनि सां गॾिजाणी हो कराईंदो सलामत राय जे ओताक में सिंधियुनि जे शेदायुनि जूं महफ़िलूं लॻंदियूं हुयूं हिंद ऐं सिंध जा केतिरा ई साहित्यकार लेखक गायक कलाकार सलामत राय जे ओताक में अची प्रेरणा पाईंदा हुआ ऐं उते सलाम सरद करे सिंधियत खे अॻिते वधाइण जूं कोशिशूं कंदा हुआ दादा उसूलनि जो पको ऐं तमामु मज़बूत हृदय वारो इंसान हो पंहिंजे उसूलनि ते अहिड़ो पको हो जो हिकु दफ़े हिन खे पंहिंजनि उसूलनि ते रहंदे सरकार तरफ़ां ज़ेल जी सज़ा पिणु मिली दादा सुठे लेखक जे हैसियत में उते वेही हिकिड़ो किताबु लिखियो जंहिंजो नालो आहे पत्नीअ ॾांहुं पतीअ जा ख़त ज़ेल मां पत्नीअ ॾांहुं ख़त उहो हिन जो अमर यादगार अॼु बि असां वटि मौजूदु आहे दादा काफ़ी टाइम मज़दूरनि जो नेता थी रहियो ऐं उन कम में श्री हरदास माखीजा हिन खे चङो सहकार ॾिनो अॼु मां चाहियां थो त हरदास माखीजा जे वाता दादा जी कुझु वाखाण ॿुधूं उल्हासनगर जे अंदरि बिरला ग्रुप जी जेका सेंचुरी डॉन फैक्ट्री गुज़िरियल 60-62 सालनि खां उल्हासनगर जे हदुनि जे अंदरि आहे ऐं जेका बुनियादी तौर ते भारत सरकार बिरला ग्रुप खे परमिशन ॾिनी त जेके सिंध मां विस्थापित थी करे सिंधी हिंदू हिते आया आहिनि उन्हनि खे वरसाइण जे लाइ उन्हनि खे नौकरियूं ॾियण जे लाइ ऐं हिन रेफ्यूजी एरिया जो व्यापार जे ज़रिए माण्हुनि में रोज़गार जूं सहूलियतूं उपलब्ध थियनि उन इंटेंशन खां बिरला ग्रुप खे सेंचुरी डॉन फैक्ट्रीअ जो लाइसेंस मिलियो फैक्ट्री ठही फैक्ट्रीअ जे अंदरि
हिंदुस्तान के सभी हिस्सों में जो एम्प्लॉइज स्टाफ के अंदर मजदूर के अंदर आया खास तौर से यूपी में राजस्थान में साउथ इंडिया में असो पैं जो महाराष्ट्र प्रदेश आ उन एम्प्लॉइज आ उन लोकल सिंधी एम्प्लॉइज भी काफी उन फैक्ट्री में सर्विस कई पैंजो रोटी रोजी कढ़ अड़ी वही कंपनी की जैमें लगभग 7,000 एम्प्लॉइज हुआ हा कै जमाने में बिरला ग्रुप की सेंचुरियन फैक्ट्री गोल्ड माइन करे लेखी वेंदी ही कै जमाने में उन फैक्ट्री के अंदर मजदूर सा उन्हें जे मेहनत जो उनके मुआवजो जो मिलन खपे या उन्हें खां जो कम फैक्ट्री में वरतो वे पो उन गालिन के वठी करे मजदूर में कुछ वक्त खां पो थोड़ो रोष पैदा थियो ते वक्त जो जो मजदूर जो लीडर हुंदो लेबर लीडर भगीरथ जा उनके खिलाफ काफी नाराज पो पैदा थियो ते वक्त मजदूर के सजे महाराष्ट्र के अंदर दादा सलामत राय पुरुषवाणी का सवाए बो को नेता न पो नजर अचे जो मजदूर के उन तकलीफुन के मैनेजमेंट के अगर रखे उन तकलीफुन जो निवारण कर सके उन मजदूर जो उम्मीदू सिर्फ दादा सलामत राय पुरुषवाणी में हुई इन कर दादा सलामत राय पुरुषवाणी के मजदूर के नेता के रूप में अगर आंदो कंपनी जा इन नई यूनियन सा या उनके रिकग्निशन देने के लिए उन्होंने मतभेद आ कंपनी शायद ही न पी चाहे तो सलामत राय पुरुषवाणी जड़ो काबिल मानू मजदूर की नेतागिरी करे लेकिन हालतू कुछ अड़े कदर चेंज थी वह कंपनी के अंदर मैनेजमेंट के खिलाफ एतरो नाराज पो वधी वियो जो कंपनी लॉकआउट भी थी वही उन वक्त इमरजेंसी जो टाइम पे हले मैनेजमेंट की नाराजगी के करे कांग्रेस के नेता हुंदे भी दादा सलामत राय पुरुषवाणी के कांग्रेस सरकार मीसा के अंदर अरेस्ट कयो या जेका तकलीफ दादा सलामत राय पुरुषवाणी डिठी वह मजदूर के खातिर उनके हक डारण के खातिर उनके इंसाफ वठी डेण के खातिर उन सजी या तकलीफ सठी आखिर वो इमरजेंसी लथी उनको दादा सलामत राय पुरुषवाणी के आजाद भी कयो वियो तखा पो आजाद थियण खां पो जडें इमरजेंसी लहण खां पो जनता पार्टी देश के अंदर निर्माण थी दादा सलामत राय पुरुषवाणी कांग्रेस छे कर जनता पार्टी जो एकड़ो हिस्सो बणजी वियो उनसां गडोगड एकड़ो मजबूत मजदूरन जे नेता जे रूप में थाने जिले जे अंदर उभरियो हुनजी इन पहलू ते मजदूर के लीड करण जे पहलू ते कंपनी सा नेगोशिएशन कंदे उनन इश्यूज ते एडी तो उनकी पकड़ मजबूत हुंदी हुई जो बिरला ग्रुप जा जेके कंसल्टेंट्स टॉप टॉप कंसल्टेंट्स मैनेजमेंट के पारा कलकत्ते में या बेन हंधा इंदा हा उ दादा सलामत राय के
पुरुषाणी जो उथारियल उन्होंने इशूस से मजदूर के इशूस से उनके जवाब दियण में असमर्थ लगता हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दादा सलामत राय पुरुषाणी पहले जो को एग्रीमेंट मजदूर और मैनेजमेंट के विच में कयो उनमें जो को फाइनेंशियल उनके मजदूरन के जो को फायदो पगारुन में बोनसन में प्लस कम के अंदर जेका उनन जे माथा गैर वाजिब कम करण जा जेके रूल्स हुदा उनन के रिलैक्स करण में जो को दादा उन एग्रीमेंट में उनके फायदो वठी दिनो 60 साल जे सेंचुरी रियान जे इतिहास में कें भी मजदूर नेता अड़ो फायदो सेंचुरी रियान जे मजदूरन के अज डी तीन न वी दिनों